हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा। दोस्तों तो आज बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस। बहुत सारे दोस्तों यह पूछ रहे हैं कि सर वास्तव में क्या पोस्ट ऑफिस से संबंधित वैकेंसी आने वाली है, अगर आने वाली है तो कितना मात्रा में आने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाला है। तो ये सारे जितना भी आपका डाउट है सबसे संबंधित बात करने वाले हैं। अगर वीडियो पे आ गए हैं तो 5 मिनट का वीडियो होने वाला है, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पूरा जरूर देखिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विभिन्न पेपर के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप जरूर देखे होइएगा कि पोस्ट ऑफिस में टोटल पोस्टों की संख्या 98,083 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है और जिसमें पोस्टमैन का पोस्ट होने वाला है 59,999 पोस्ट और एमटीएस का 37,539 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है और वही मेल गार्ड इसमें होने वाला 1,445 पोस्ट होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे एज से संबंधित, तो इसका जो एज होने वाला है पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक, जनरल के लिए, और एमटीएस का जो पोस्ट एज होने वाला है 18 से 25। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 ईयर का छूट मिलेगा, वही जनरल और ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाला है, और एससी से और एसटी से आते हैं तो आपको 5 ईयर का छूट मिलेगा। तो अपना अपना कैटेगरी के अनुसार आप एज काउंट कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन 1 से 2 महीना का अंदर में आ जाता है तो इसका जो एज काउंट होगा 1 अगस्त 2024 से काउंट होने वाला है, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन 1 से 2 महीना के अंदर में आ जाती है तो जो क्वालिफिकेशन से संबंधित बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन पोस्टमैन और मेल गार्ड का होने वाला है। 12th पास कोई भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वही एमटीएस 10th पास यानी 10th स्टैंडर्ड अगर पास किए हैं तो अगर 18 वर्ष एज है तो आप इस फॉर्म को एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये जो पोस्ट देख रहे हैं दोस्तों यह स्टेट वाइज होगा, स्टेट वाइज पोस्ट आने वाला है। यानी जैसे आप देखते होंगे एसएससी जीडी में बिहार के लिए इतना पोस्ट, बंगाल के लिए इतना, यूपी के लिए इतना, उसी प्रकार से इसका पोस्ट आने वाला है स्टेट वाइज। किसी स्टेट में 500 सीट रहेगा तो किसी स्टेट में 2000 सीट रहेगा। उसके बाद बात करेंगे जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि चर्चा चल रहा है कि इसका सिलेक्शन जो करवाने का विचार चल रहा है कि रिटेन एग्जामिनेशन में वो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने की प्रबल संभावना है और वो भी कौन करवाएगा तो एसएससी द्वारा यह एग्जामिनेशन को संपन्न कराया जाएगा। इसका सिलेबस क्या होने वाला है तो सिलेबस होने वाला है इसमें जीके जीएस और सीए करेंट अफेयर्स तीनों मिल के दोस्तों 25 नंबर का रहेगा और मैथ 25 नंबर का, इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा, वही हिंदी और जो भारतीय संविधान के 22 भाषा है, 22 भाषा में आप किसी भी एक भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं और 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यह टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्या निगेटिव होने वाला है? जी हाँ, इसमें 1/4 निगेटिव का भी को रखा गया है। अब बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मुश्किल से आप जो देख रहे होंगे कि पेपर में, बहुत सारे पेपर में भी दिया गया था इस पोस्ट से संबंधित और यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे बड़े बड़े चैनल लोग
पर दिखाया जा रहा है और गूगल पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि इतना पोस्ट के लिए भी पोस्टमैन एमटीएस और मेल गार्ड का वैकेंसी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है, तभी तो यह अफवाहें चल रही है। अफवाहें समझ लीजिए या रियल समझ लीजिए, कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो मान के चलिए आपका पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस का वैकेंसी आने वाला है, तो मुश्किल से अगर सच्चाई हो, अगर आने वाला है, तो मुश्किल से 1 से 2 महीने यानी लास्ट दिसंबर तक यह वैकेंसी जरूर आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। अगर दिसंबर तक आया तो 2025 के जनवरी फरवरी में आपका एग्जामिनेशन भी होगा। तो वीडियो कैसा लगे और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।